सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार के रोज़ नामपली हलके से मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान सदर मजलिस ने माजिद हुसैन के हमरा मल्लेपली डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से रास्त मुलाकात की और 30 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में मजलिस के निशान पतंग को दबाकर वोट देते हुए माजिद हुसैन को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इलाके के हिंदू मुस्लिम सभी आवाम ने जगह जगह गुलपोशी करते हुए उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इस दौरान मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, मजलिस कायदीन व कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने नामपली हलके से मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक़ में जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान मल्लेपली इलाके के एक टिफ़िन सेंटर पर रुककर इडली का नाश्ता किया। इस ज़िमन में असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए नाश्ते का वीडियो डाला और लिखा कि नामपली में इंतखाबी मुहिम के दौरान इडली और डोसा का नाश्ता, हैदराबाद न सिर्फ अपनी मज़ेदार बिरयानी और ईरानी चाय के लिए जाना जाता है बल्कि साउथ इंडियन खानों के लिए भी जाना जाता है।